सॉफ्ट भी है, स्वीट भी है और जूसी भी है, और सबसे बड़ी बात कि ये हेल्दी है। आज हम बनाने वाले हैं जैगरी वाली ये कोकोनट लड्डू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हर्ष प्रिया की किचन। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की हमारी रेसिपी है जैगरी वाले कोकोनट लड्डू। इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनाकर तैयार कर पाएंगे और बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये कोकोनट लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है एक कोकोनट, मतलब जो कच्चा नारियल होता है ना, उसको कद्दूकस कर लिया है, और ये टोटल 2 कप है। यहाँ पर इसको मैंने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है, मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये जो नारियल है ये 2 कटोरी है और जो गुड़ लिया है वो 1 कटोरी है, तो आप सेम कटोरी से ही दोनों चीज़ों का मेजरमेंट करना। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे 1 छोटी चम्मच, और जो हमने नारियल को ग्रेट किया है वो नारियल हम पूरा कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, जितनी लो आप कर सकते हैं लो रखिएगा, और 7 से 8 मिनट के लिए आपको ये जो नारियल है इसको अच्छे से भुनना है। नारियल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ऑयल होता है, तो उसको पूरा सुखाना ज़रूरी है ताकि हमारे लड्डू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने। तो गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है फ्रेंड्स, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। और अगर थोड़ा थोड़ा तले में नारियल चिपकता भी है तो उसे आप निकालते भी जाइएगा साथ में, जिससे नारियल तले में ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं और बहुत ही अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगा। पूरे नारियल को अच्छे से चलाते रहना है, कहीं पर कच्चा कहीं पर पक्का नहीं रखना है। जब ये इस तरह से ड्राई होने के स्टेज पर आ जाए ना, तब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो नारियल है अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें गुड़ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने 1 कटोरी गुड़ रखा था उसके पीसेस कर लिए हैं, छोटे छोटे गुड़ के पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो पाउडर वाला गुड़ भी ले सकते हैं और फिर उसको ग्रेट भी कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए वैसे तरीके से आप गुड़ इसमें डाल सकते हैं। गुड़ की हमें चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को बस इस कोकोनट के साथ में अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो जो गुड़ के टुकड़े होंगे ना, उनको आप इस तरह से चम्मच से दबाते जाइएगा तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे। गैस की फ्लेम को बढ़ाना नहीं है, एकदम हल्की फ्लेम पर हमें ये लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से टेस्ट के लिए डाल दिया है इलायची पाउडर, जिससे खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इलायची पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गुड़ है वो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा है, इसकी चाशनी नहीं बन रही है। लेकिन कुछ गुड़ ऐसा भी आता है जिसमें हो सकता है कि जब आप लड्डू बनाएं तो हल्का हल्का सा पानी आए या फिर चाशनी बन जाए, तो उस चाशनी को आप पूरा सुखा लीजिएगा, तभी आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। यहाँ पर जो मैंने गुड़ लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ा है, तो मेरा जो मिक्सर है एकदम ड्राई है, इसे और पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, इसके बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने और पकाया है और ये मिक्सर बनकर तैयार हो चुका है। तो अब इस मिक्सर को मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ, और अगर आप लड्डू बनाते हैं गुड़ मिक्स करने के टाइम पर अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो प्लीज़ आप उसे पूरा सुखाइएगा पहले, तभी आप उसे प्लेट में निकालिएगा। इस तरह से खिला खिला मिक्सर होना चाहिए। कोकोनट मिक्सर को प्लेट में निकालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट का रेस्ट दिया था, और हाथ भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। हाथ अच्छे से साफ़ कर लेंगे तब हम लड्डू बनाएंगे। तो इसका मिक्सर पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, ऐसा रहना चाहिए कि आप इसको हाथ में बस ले सकें, अच्छे से इसको होल्ड कर सकें। अगर आप पूरी तरह से मिक्सर को ठंडा कर लेंगे तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। आप जब लड्डू बनाएंगे ना तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कितना ज़्यादा इसमें से ऑयल बाहर आ रहा है। इतना तो हमने घी डाला ही नहीं है, सिर्फ 1 छोटी चम्मच घी डाला है। आप थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेंगे और इस तरह से इसके गोल को लड्डू बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से ये लड्डू बन जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इन्हें भले कितने ही दिन रखें लेकिन ये सॉफ्ट बने रहेंगे। आराम से आप इन्हें 5 से 6 दिन के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, एकदम गोल लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है, और आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऑयल बाहर आया है। कोकोनट में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, इस वजह से ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि इसमें हमने चीनी ऐड नहीं की है, हमने इसमें गुड़ डाला है। तो गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, आप किसी को भी ये लड्डू खिलाएंगे ना वो बस आपकी तारीफ करते जाएंगे। और इसमें हम गार्निशिंग के लिए एक काजू का टुकड़ा मैं इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो पिस्ता या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट का कतरन डाल सकते हैं इसमें। और ये लीजिए, हमारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। 1 कोकोनट से 8 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं।
ये दिखने में जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जूसी है और एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है, कोई भी इसको आसानी से खा सकता है। तो वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।